प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने दोस्त की करने का पहला प्रयोग पढ़ा था, जो कि एक अनंत लंबाई के तार पर आवेश उसके निकट वजह और क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब हम एक अनंत विस्तार की समतल आवेश चादर है, उसके निकट वजह और क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका क्षेत्र समझ लेंगे। माना हमारे पास कोई स्मॉल क्यू आवेश है, जो एक समतल आवेश चालक पर एक समान रूप से वितरित है, और उस आवेश चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व, मान लिया हमने कि समतल चालक का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व वो सिग्मा बराबर याद रखिए, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। अब हमने मान लिया है कोई अनंत लंबाई की एक समान चादर है, हमारे पास मान लिया हमने, इस तरीके से है वाले में हमारा जो दिया वो बैक साइड है, इधर होगा।
हम क्या देखते हैं यहां से, पहले हम प्रश्न एस थ्री की बात करें, प्रश्न एस थ्री से गुजरने वाला अनुप्रस्थ, प्रश्न एस थ्री से गुजरने वाला वैद्युत फलक्स, जो समतल आवेशित चादर के कारण
लिखा आपने यहाँ पे, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार हमने अभी केवल यहाँ पे दो अनुप्रयोग पढ़े। पहला अनुप्रयोग था एक अनंत लंबाई वाला शिकार था, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा पढ़ा हमने यहाँ पे कोई अनंत विस्तार की संभावना से ज्यादा है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी प्रकार हम इसके अविद्युत चालक के कारण बाल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और फिर दो प्लेटों के बीच में और उससे बाहर भी उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब कंडीशन ज्ञात करेंगे। आप देखिए एक बार, अब हमारा पॉइंट है आपने आवेशित चालक के एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर एक पॉइंट है आवेशित चालक के एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक के एक बार तीव्रता। अब हम इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमने मान लिया कोई आवेशित चालक है हमारे पास, इस तरीके से ये हमारे पास कोई आवेशित चालक है जिसमें कोई आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इसका मान लिया दृश्य आवेश घनत्व सिग्मा है, तो अब हम यहाँ पे इससे छोटी दूर कोई बिंदु P है वहां पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। बिंदु P है यहाँ पर मैं इस चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अब चूंकि ये बहुत ही लघु मोटाई का है और आवेशित चालक है जो कि निर्वात में रखा है, इसलिए इसके जो दोनों सिरे है जो इसके दोनों बाह्य पृष्ठ है के पास, मान लें प्रश्न एक है ये प्रश्न दो है, ये दोनों प्रश्न अलग अलग स्थायी पार्टी कार्य करेंगे, अलग अलग प्लेट पार्टी कार्य करेंगे। इस पर भी उपस्थित था प्रत्यावेश घनत्व सिग्मा, इस पर भी उपस्थित प्रत्यावेश घनत्व सिग्मा। तब आप बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता होगी वो इन दोनों के कारण कैलकुलेट करेंगे। अगर प्रश्न एक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करेंगे तो वेक्टर v1 भी इक्वल टू क्योंकि प्लस आवेश है इसमें। अब नंबर दो, यदि दूसरे पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करेंगे तो वो भी आपके पास वेक्टर v2 भी इक्वल टू। अब इसको कैलकुलेट करें, अभी आपने इससे पहले जो पॉइंट था उसमें एक समतल आवेश चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो जो आपके प्रश्न एक वन बना ये एक समतल आवेशित चालक की भांति व्यवहार करेगा, इसलिए प्रश्न वन से गुजरने वाला गुजरने इसे लिखेंगे प्रश्न वन के कारण, प्रश्न वन के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे लिख देंगे E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 1 को। इसी प्रकार हमारे पास प्रश्न 2 पर हमारे पास समतल चालक दो में हमारे पास एक है, प्रश्न 2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगी हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 2 होगी। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात
सीधे तरीके लगी। तो प्यारे बच्चों जो अभी तक आपको कार्य बताया गया इसको अच्छे से कंप्लीट करें और अपना साथ के साथ वो दिया हुआ कंप्लीट कर दें और अपने इस चैनल को अधिक से अधिक